शुभोदय बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्या है वो ईदगाह पाठ, तो अभी क्या है वो आधे से ज्यादा तो हो गए। उसमें क्या है वो रमजान के दिन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, वो भी है। और उसके साथ साथ सब लड़कों में हामिद क्यों प्रसन्न है, हामिद के माँ बाप के साथ क्या हो गया, उनके माँ बाप क्यों चल बसे हैं, और अमीना के साथ रहने का कारण क्या है, और सब बच्चे मेले में जा रहे हैं, उन सभी बच्चों में से भी हामिद क्यों उतना प्रसन्न है, और इन सभी विषयों के बारे में तो चर्चा होगी। और उसके साथ साथ क्या है वो मेले में गए हैं, ईदगाह गए हैं, ईदगाह जाने के बाद वो उधर क्या हो गया, नमाज अदा करने के बाद सब बच्चे एक दूसरे के गले लगाकर मुबारकबाद होने के बाद वो मेले के ऊपर धावा बोल दिया है सब बच्चों ने। और क्या हो गया बच्चे, एक ने सिपाही करे तो एक ने बिश्ती करेगा, एक ने क्या है वो वकील को खरीदेगा, ऐसा बच्चे क्या है अलग अलग प्रकार के उन लोगों ने खिलौनों के खरीदे। खरीदने के बाद क्या किया उन लोगों ने, वो हामिद को भी बुलाया, आओ खरीदो। तब हामिद ने क्या किया है, साफ साफ इनकार कर दिया, छोटा बच्चा है लेकिन उनके पास क्या है ज्यादा पैसे भी नहीं है, सिर्फ 3 पैसे है। अगर मैंने खिलौने खरीदे तो वो मिट्टी का है, क्या हो जाता मिट्टी का, एक बार हाथ से निकल गए तो नीचे गिरकर टूट जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा है, मैं उनको तो उपयोग करना नहीं, वो खरीदे तो भी पैसे खराब में क्या व्यर्थ गए, खर्च होता है, ऐसा मानकर वो नहीं खरीदे। उसके बाद में खिलौनों के बाद में सब बच्चे किस पर धावा बोल दिया, उन लोगों ने मिठाइयों की दुकानों पर, एक एक ने क्या है मिठाइयों की दुकानों में उन लोगों ने रेवड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला ऐसा एक के बाद में अपने मन पसंद चीजों को खरीद कर खाने लगी है। लेकिन कोई भी हामिद को नहीं दिया, और ऊपर से एक ने बुलाया है मजाक मजाक में, क्या है ये रेवड़ी तो बहुत खुशबूदार है, मुंशी ने बुलाया और कहा ये रेवड़ी तो बहुत खुशबूदार है और खाए तो बहुत मजा मिलता, आओ खाओ। बोलने पर इन्होंने क्या कहा है उस समय भी साफ साफ इनकार कर दिया, वो अपने लिए खरीदे तो अपने पेट भरता है। अब उनको याद आई है अमीना, वो तो क्या है उनके पास पैसे दिए हैं, कहीं बहुत मेहनत करके 3 पैसे जुटा पाई हैं, उससे ज्यादा पैसे तो उन्होंने इकट्ठा नहीं कर पाए। तुरंत उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, ऐसा मानकर आगे के ओर बढ़ने लगा है हामिद। अब आगे क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे, आगे देखिए आप लोग अपने बुक में। सम्मी बोला 3 ही पैसे दो, 3 पैसों में क्या क्या लोगे, हामिद मौन रह गया। हम हमारे पास ज्यादा पैसा है तो दूसरे के पास पैसे नहीं है तो उनका मजाक उड़ाना सही नहीं है, लेकिन बच्चों में क्या है वो बचपना में क्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनका दूसरों को हंसी मजाक करने में बहुत आनंद पाते हैं, ये तो गलत बात है। उनके पास उतने पैसे तो हम अपने पैसों को दूसरों को देकर उनकी मदद तो नहीं कर रहे ना, दूसरों का मदद करने पर भी हम उनके बारे में ऐसे बातें करना तो सही नहीं है। अब उन लोगों ने वो गलत कर दिया है, क्या है वो उनको मजाक परिहास करने लगे, क्या क्या खरीदने के लिए आए हो 3 पैसे है ऐसा मजाक करने लगे हैं। तब भी समझदार लड़का है, उन्होंने समझदार क्या करते हैं, दूसरों के बातों पर उतना ध्यान नहीं देते, वो मौन रह गया। हम भी क्या है ऐसे परिस्थितियां आए तो क्या होना है, मौन चुपचाप रहे तो क्या हो जाता, समस्या अपने आप दूर हो जाती। अगर उसके ऊपर हम लोग बातचीत वाद विवाद करें तो क्या हो जाता, परिहास परिहास में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। इसीलिए हामिद तो मौन रह गया, उसके आगे क्या हुआ है। मिठाइयों के बाद लोहों की चीजों की दुकान आती है, कई चिमटे रखे हुए थे, हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, और छोटे बच्चे है एक दुकान के बाद में एक दुकान ऐसा आगे के वो निकलते रहते हैं, कुछ भी अगर अच्छा लगे तो उनको खरीदते हैं। ऐसा जाते समय अचानक इनका नजर किस पर पड़ा है, हामिद के नजर मिठाइयों के बाद में एक लोहे के दुकान के ऊपर पड़ा है। दादी के पास चिमटा नहीं है, वो उसको तो वो बात याद आई है, उसके पास क्या नहीं है, दादी के पास चिमटा तो नहीं है। आप लोगों की मम्मी क्या है गर्म चीजों को वो चूल्हे में से निकालते समय पकड़ कर निकाल देना पटका बोलते ना, वैसा है, उसको कहा जाता है चिमटा। और नहीं है तो
और रोटियों को सेकते समय में भी ऐसा रहता है वो, तो उससे क्या कहता है, उससे पकड़ कर रोटियों को वो पकाया जाता है। तवे से उनकी रोटियां निकालते समय, क्योंकि ज्यादा लोग रोटियां ही खाते हैं वो, और साउथ दक्षिण भारत में क्या है वो ज्यादा चावल खाए वो, उत्तर भारत में ज्यादा लोग रोटियां खाते हैं सुबह रात दिन रात। ऐसा रोटियां सेकते समय क्या होता था, वो तवे में से निकालते समय एक एक बार उनकी उंगलियां जल जाती हैं, क्योंकि वो गर्म तवा गर्म होने के बाद ही उसमें रोटियों को सेक सकते हैं, नहीं तो रोटियां तो उसमें नहीं पकते हैं। और अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दिए तो दादी क्या हो जाती है, कितना प्रसन्न होगी। अगर ये छोटा सा लड़का, मैं अपने लिए नहीं अपने पेट के लिए नहीं दादी अम्मा के लिए कुछ तो खरीद कर लेके जाऊंगा, ऐसा मानकर चिमटा खरीद कर अगर मैं अम्मा को दिए तो अम्मा तो जरूर प्रसन्न होगी, बहुत खुश होगी। और दादी चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। वो अम्मा क्या है वो मेरे हाथ में जब भी वो चिमटा देखे तो तुरंत प्रसन्न होकर गले लगेगी और चूम लेगी और सभी लोगों को कहेगी और मेरे बारे में, ऐसा उन्होंने कल्पना करने लगे हैं। लेकिन बड़ों का विचार अलग रहता है, छोटों का विचार अलग रहता है। इधर आगे क्या हुआ है, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देती है आशीर्वाद। इधर तो अम्मा तो क्या है तुरंत मेरे हाथ में से वो चिमटा लेगी और ऊपर से मुझे आशीर्वाद भी देगी, ऐसा सोचने लगा है लड़का। फिर पड़ोस की औरतों को भी दिखाएगी, तुरंत क्या करती है, मेरे पोते मेरे लिए ये चिमटा लाया है, ऐसा अड़ोस पड़ोस लोगों को भी बताएगी। वो अपने खुशियां अपने तक सीमित नहीं रखकर दूसरों के लिए भी बताएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। और वो लड़का ऐसा एक के बाद में एक ऐसा कल्पनाएं करने लगी है, बाद में क्या होता आगे आप लोगों को पता चलता है। और मेरे बारे में अम्मा क्या है, पहले आशीर्वाद देते हैं, अड़ोस पड़ोस को बोलते हैं और सब लोगों के बीच में मेरे बारे में ही चर्चा होगी, ऐसा सोचने लगा है। कितना अच्छा लड़का है, बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ऐसा कल्पनाएं करने के बाद तब उन्होंने सोचा है अब आगे क्या होता है और ये लड़का कितना आनंद पाता है, ये पूरा उधर रोक कर चिमटा खरीदने के लिए लोहे के दुकान के वो गया है। वो दुकानदार वो उसको क्या जवाब देते हैं और क्या बताया जाता है, इसमें आगे बढ़ेंगे। चिमटा कितने के हैं पूछा है लड़का ने, तब उन्होंने दुकानदार जरूर उसका मूल्य तो भाव तो बताते हैं ना, कीमत कितना है। वो 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, वो उनको तो इनके पास क्या कितने हैं, सिर्फ 3 पैसे हैं, लेकिन दुकानदार ने कितने बताया, 6 पैसे। 6 पैसों की चीज को अगर देने वाला है तो क्या है वो 5 पैसे में देता या ज्यादा से ज्यादा कम 4 पैसों में देता, 3 पैसों में कैसे देता, ऐसा सोचकर उनका दिल बैठ गया है। अब हमें वो आगे के अगर प्रस्तावना करे तो वो आदमी क्या बकता है या नहीं, वो क्या चिल्लाता है, वैसा सोचने लगा। लेकिन हामिद ने कलेजे मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, उन्होंने क्या है अपने आप को संभाल कर पूछा है, 3 पैसों में देंगे क्या। ऐसा आप लोग भी बाजार में गए तो पूछताछ करते हैं ना कम करने के लिए, या नहीं ये तो उन्होंने 10 पैसे बोले तो तुम 12 पैसे देकर खरीदते नहीं है ना, वैसा ये लड़का समझदारी से पूछा है वो। और दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शाम के अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। उन्होंने जो मन की मुराद पूर्ति हो गई, मैं जो इच्छा उन्होंने सोचा है वो इच्छा तो पूर्ति हो गई। अगर आप लोगों में बहुत सोचते हैं मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, अगर आपके सम्मुख आपके हाथ में वो आ गए तो कितनी खुशियां पाते हैं, वैसा खुशियां पाने लगी हैं। हामिद ने दुकानदार ने बुलाकर चिमटा तो दे दिया और उसने वो करने में क्या है, उन्होंने सारा संसार उसके मुट्ठी में आ गया, ऐसा महसूस करने लगे हैं हामिद। और उन्होंने तुरंत अपने कंधे पर लगा रखा है, जैसा हनुमान जी अपने रखता है ना आयुध को, उसी प्रकार उन्होंने ये अपने कंधे पर रखकर वो बंदूक के समान, एक सिपाही एक बंदूक को रखकर कैसे शान के साथ जाता, वैसा एक चिमटा को रखकर उतनी शान के साथ अकड़ता हुआ बहुत घमंडता के साथ आगे के ओर बढ़ा है। संगियों के पास आया, दोस्तों ने मजाक किया, अरे
लड़का अगर खरीदना चाहे तो बिगुल खरीदना या गेंद खरीदना या नहीं तो बैग खरीद और कुछ खरीदना है, लेकिन ये चिमटा लाया देखकर उन लोगों ने परिहास करने लगे। और ये यह चिमटा क्यों लाए वो पगले, इसे क्या करोगे। बच्चे तो क्या है वो क्या करते हैं, वो बच्चे तो अपने लिए चीजें खरीदते हैं, लेकिन उनको सोचकर इन्होंने क्या किया है, अपने लिए नहीं खरीद कर अम्मा के लिए खरीद लिया। इसीलिए उनके मन में तो आनंद है, लेकिन इसके बारे में दूसरों को ना मालूम होने की वजह से उन लोगों ने परिहास करने लगी है। यहाँ तक रुकेंगे और आगे क्लास में आगे के बारे में बताते। धन्यवाद बच्चों।